इन लड़कों ने तो नाक में दम कर रखा है। कबड्डी की दोनों टीमें ग्राउंड पे आ गई हैं। झगड़ा होने का चांस है, आप जल्दी आइए। ए, ये ग्राउंड हमारा है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो कट लो यहाँ से। हम लोग भी वही करने आए हैं। ए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम लोग हर बार यही बोलते हो और मार खाकर चले जाते हो। ऐसा क्या, देखते हैं कौन किस पे भारी है। उसका फैसला भी हो जाएगा, बस थोड़ी देर इंतजार करो, हमारा कैप्टन आता ही होगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा कैप्टन? क्या चल रहा है अजय? इस पिटी हुई टीम के लोगों ने मिलकर एक फैसला किया। अच्छा, कैसा फैसला? देखो अजय, इस छोटे से ग्राउंड के लिए रोज रोज लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं। आज इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। एक खिलाड़ी तुम्हारा और एक खिलाड़ी हमारा, वो दोनों यहाँ पर मुकाबला करेंगे, उसमें से जो जीतेगा कल से ये ग्राउंड उसका। ओके, मैं वैसे भी लेट हो गया हूं। फिर अपने बंदे को बुला लेते हैं। तुम लोग सल्टा लेना। अरे अजय, कहां जा रहा है? अरे तू तो टीम का कैप्टन है, अगर तू ही चला गया तो इनसे मुकाबला कौन करेगा? तुम हम लोगों को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? Okay, सही है। हमारा बंदा तो रेडी है, तुम्हारी तरफ से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा जो इससे मुकाबला कर सके। ट्रिपल एक्स, ये है हमारी टीम का नया बंदा जो करेगा इनकी हड्डी पसली एक। ट्रिपल एक्स, लेट मी चेक। भला मेरी बॉडी से तेरी बॉडी अच्छी कैसे? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? ट्रिपल लेग से पंगा ले रहा था, देखो क्या हालत हो गई। अब ये भी जा रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। हम मिलकर कबड्डी खेल। hey, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, सच बताओ मुझे। हेलो सर, यहाँ एक बॉडी लटी हुई है। अरे कोई सन बात ले रहा होगा। नहीं सर, ये रियल बॉडी लग रही है। हाँ? अरे यार क्या हो गया? hey, इसको क्या हो गया? बेहोश हो गया सर। मैंने तुमसे नहीं पूछा, ये बताओ क्या हुआ इसे? ये दिखने में हट्टा कट्टा है सर, पर तेज धूप आई तो बेहोश होकर गिर गया। सनस्ट्रोक सर। मैंने इससे पूछा है, तुमसे नहीं। ये बेहोश हो गया सर, जवाब कैसे देगा? मैंने इससे नहीं उससे पूछा, जो खड़ा है। मैं खड़ा हूँ ना सर। शट अप। ओके सर। कुछ तो गड़बड़ है, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे कबड्डी खेल रहे थे सर, कबड्डी। देखो, लिमिट क्रॉस करोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आई एम वार्निंग यू, बी विद इन योर लिमिट्स। एक्सक्यूज मी सर, ये एरिया आपके जुरिसडिक्शन में आता है, आप प्लीज इस बेहोश ट्रिपल एक्स को हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे? 101 एम्बुलेंस बुलवा लो। ओ, तब तक ये मर गया तो? प्लीज सर, इसे आप अपनी गाड़ी में ले जाएं तो। hey. सर ओके सर, थैंक यू सर। ए, ला दो इसको। ट्रिपल एक्स ले जाए इसे। चलो रे। Ha ha ha!
भाग गए साले सबके सब बुजदिल, कहते थे हमें नहीं छोड़ेंगे। कल के मैच का क्या करें? चलो ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। चुन्नू मुन्नू, फाइनल ईयर में कितने सब्जेक्ट में फेल हुई थी? सिर्फ 5, वो तो मैं सितंबर में क्लियर कर लूंगी। हर दिन मुझे देखकर गाने गाते, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सितंबर में नहीं अप्रैल में भी अंडा ही लाओगी। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो। कैसी पागल लड़की है, चली गई। दिमाग खराब नहीं होता तो मैं तेरा भाई होता। तुम दरवाजे से अंदर आने की आदत क्यों नहीं डालते हो? ऐसे ऊपर से क्यों टपकते हो? मेरा रूम, मेरी मर्जी। वैसे बंदरियों के साथ डांस क्यों कर रही हो? क्या कहा तुमने? दिव्या, तुम अपने भाई को कुछ समझाओगी या हम सबक सिखाए इसे? क्या सबक सिखाओगी? तुम्हारी आंखें नोच लेंगे, तुम्हारे कान खींचेंगे। मेरी रूम में आके मुझे धमका रही हो? आउट, आउट, निकलो यहाँ से, आउट। अरे इतने सारे खिलौने यहाँ वहाँ पड़े, मेरी रूम को खिलौनों की दुकान बनानी है क्या? ये तुम्हारा रूम नहीं है, मेरा रूम है। डैडी ने हम सबको यहाँ खेलने को कहा है। अभी इतनी सी हो तुम और तुम्हें अलग रूम चाहिए? मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ मैं। दिव्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो भैया? चॉकलेट। एक मिनट रुको, तुम ये चॉकलेट देकर हमें यहाँ से भगा नहीं सकते। ये मेरा रूम है और हम डांस की प्रैक्टिस यहीं करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग यहाँ से नहीं जाओ, ओके? एकदम खुल्लम खुल्ला। अरे इसने तो अपना शर्ट उतार दिया। अरे इसने तो बनियान भी निकाल दी। चलो 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 यहाँ से। अरे रुको चित्रा, सुषमा रुको ना, चली गई। वहाँ पर डांस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करो, सिर्फ डांस की ही नहीं बल्कि तुम्हें इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ओ नो, नहीं माँ, प्याज काटने से मेरी आंखों में आंसू आते हैं। हाँ, जब तू ससुराल जाएगी और वो तुझे ताना मारेंगे कि तुझे घर का कोई काम करना नहीं आता, तब हमारी आंखों में आंसू आएंगे। देखा ना माँ, ये कैसे बात करता है अपनी छोटी बहन से। आखिर मान तो लिया कि तू अभी अंडे में है, ले कैच। अभी तेरी चॉकलेट खाने की उम्र है। कुछ भी। अरे माँ, बेटे के होते हुए तुम प्याज काटोगी? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ, आंसू मुझे दे दो। मेरा लाडला, दिव्या कुछ सीख अपने भाई से। माँ, बैंक बैलेंस कितना है तुम्हारा? 1,00,000 रुपए। अगर 10,000 माइनस किए तो? 90,000। देगा, माँ का नाम गिनेस बुक में आएगा। और तुम्हारा मस्का मारने में आएगा। माँ, वो 10,000 रुपए आप मुझे दे देंगी। क्या, मैंने कब कहा मैं तुम्हें 10,000 दूँ? अरे माँ, अभी कहा ना, अगर 10,000 रुपए माइनस किए तो 90,000 बचेंगे। हाँ, खुद क्यों नहीं कमा लेता। दो कैडबरी और मिलेंगी। अरे माँ, तुमने अभी अभी तो कहा। मैंने? हाँ, ये ऑटोग्राफ प्लीज। चेक भी रेडी है? हाँ, मगर तुम्हें खर्चे का पूरा हिसाब मुझे देना पड़ेगा। अरे माँ, अपने बच्चों पर किए हुए प्यार का किसी माँ ने हिसाब रखा है? हटो हटो, पकौड़े बनाने। गर्मा गर्म पकौड़े रेडी। पकौड़े सर। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, लड़ाई झगड़े से दूर रहा करो। लड़ाई झगड़ा नहीं किया डैडी, उसे सनस्ट्रोक हुआ था। सच्ची सनस्ट्रोक? इस सन की वजह से मुझे स्ट्रोक जरूर आ जाएगा। सुनो, अब ये बेकार के काम छोड़ो और आईपीएस पास करो। अच्छा तुम बताओ,
तुम्हारे इस होनहार ने कभी स्टडीज पर ध्यान दिया है क्या? क्या होगा इसका? जॉब के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती, स्पोर्ट्स कोटा से जॉब मिल सकता है। सही तो कह रहा है। सही कह रहा है, ये वो भी तो ठीक से नहीं करता है। कबड्डी ग्राउंड में ये कराटे कुंग फू करता रहता है। देखो तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं हो सकता है। आप हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं, देखना एक दिन ये आपका नाम रोशन करेगा। रोशन तो तब करेगा जब कोई काम धंधा करेगा। तो पकौड़े टेस्टी है। अच्छे है ना? बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। सुपर। ओह, अब इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी तारीफ करता हूँ जो अच्छा काम करते हैं। तुम्हारी माँ ने टेस्टी पकोड़े बनाए तो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। ये पकोड़े आपके बेटे ने बनाए हैं। ओहो, तो अगर कोई जॉब नहीं मिला तो तुम कोई ढाबा खोलने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? करेक्ट डैडी, मुफ्त में बावर्ची मिल रहा है। तू भाग यहाँ से। मुझे तुम पर बहुत दया आती है माँ। क्यों बेटा? मैं उस दिन डैड के साथ बैंक गया था ना। हाँ तो डैडी और वो चुकु चुकु चुकु। कौन रे? क्या था उस कैशियर का नाम? ललिता। ललिता, कब से चल रहा है ये? जब से मैंने अकाउंट खोला है। कैसी दिखती है वो? बिल्कुल हीरोइन जैसी, 36, 24, 36। अच्छा, इसीलिए तुम इतना सच संवर कर जाते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, डैड पकोड़ा। थैंक यू। शर्म नहीं आती? दो बच्चों के बाप हो। ये क्या कह रहे? भोले मत बनो, मुझे अभी के अभी उस चुड़ैल से मिलाओ। क्या कह रही हो? मैं अपना पति किसी के साथ नहीं बांटने वाली। मैं प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है, मैं ग्राउंड पर जा रहा हूँ। आप कबड्डी चालू रखो। टेंशन मत ले, आप मेरी तरफ देखो और जवाब दो। सफेद बाल को डाई करके हीरो बन रहे हो? बंदर की तरह गुलाटी मारोगे? मेरी बात तो सुनो। लेकर आओ उस चुड़ैल को यहाँ। किसी के साथ कैप्टन अजय दाव देने जा रहे हैं। चार टीम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है और अजय ने लपका झपका उसकी टीम को 2 पॉइंट मिले। क्या बात है! विक्रम उर्म जो पीते हैं बार बार रम, बैठे बैठे हो गए हैं नरम। अपने छोटे छोटे नंगे नंगे पैरों को फैला रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। आगे आगे किसी के साथ में पकड़ लिया गया है। गोल गोल दो टीम मिला के पास दर्शक इस मैच का अपनी तरह से आनंद ले रहे हैं। इसी आनंद को भंग करने के लिए बाल की दुकान सची दिशा के बाद अजय गुस्से से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिना सांस तोड़े वो अपना प्रहार बस शुरू करने वाले हैं। पूरी फुन्नस से टच एंड वन मोर टच और साथ एक और चैलेंज देते हुए वो जिंदा वापस आ गए हैं। कबड्डी कबड्डी आई चेंज के बाद एक और प्रतियोगी मैदान में उतर पड़े हैं। स्टार टीम के नंबर 9 जानकारी उसके बाद पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो निकल पड़े हैं। विक्रम ने धक्का मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ। विक्रम का दम रम से बाहर नहीं निकला। हो गए और इसी के साथ पावर टीम का अगला प्रतियोगी स्टार प्लेयर यानी कि अजय अंदर आ चुके हैं। मैदान में चुनौती देते हुए ये पकड़ा और लोगों को फेर दिया गया है। कोशिश करते हुए आगे बढ़े पूरी सांस के साथ नारी के साथ रस्सू जायबाज आगे आते हुए बाहर करने के बाद कबड्डी और लेकिन नहीं पकड़ पाए और दोनों के दोनों आउट। ये बहुत ही बुरा हुआ। स्टार टीम की खिलाड़ी अब अपनी ऊंचाई पे है पॉइंट्स के माध्यम से और इसी के साथ मुकाबला फिर से शुरू हुआ। अजय पावर टीम के फिर से चौक देने आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी ही चतुरता से सारी टीम के बीचों बीच घुस गए हैं। अब ये किक उसके बाद दो गिरे उसके बाद बाजी बाल आई लेकिन उन्होंने बैक स्विंग मारी फ्रंट स्विंग से किक मारते हुए सीधे लाइन में पहुंच गए हैं। इसी के साथ गोल यानी कि जीत और पावर टीम वाइट क्रॉस करते हुए जीत गई है। अब पावर टीम नेशनल लेवल पे खेलने जाएगी। अब भूख भी खेलने जाएंगे।
कैडबरी। हाय। हुबली से फाइनल्स जीत के नेशनल कप लाना जरूर कैडबरी। अजय देखो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पुलिस डिपार्टमेंट के सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ आएंगे और वही लोग रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी होंगे। इतना शानदार खेल दिखाना कि वो इंप्रेस हो जाएं। तुम्हारी माँ हमेशा कहती है ना, मेरा लाडला बेटा बड़ा अफसर बनेगा, तुम्हें अपनी माँ का मान रखना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हे वेट 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 वेट। ये लो ले लो, काम आएंगे। रख ले बेटा। नोट तो कैशियर जैसे कड़क लग रहे हैं। ओ जी, आज फिर उस चुड़ैल से मिले। को देखूंगी। ले बेटा, इसमें प्रसाद के लड्डू हैं। डैड ने इतने पैसे दिए हैं, इन पैसों में हलवाई की पूरी दुकान आ जाएगी। बेटा प्रसाद को मना नहीं करते। प्रसाद? अजय तुम उसको इतना फोर्स क्यों कर रही हो? ले ले बेटा, ले ले। अरे ले ले, प्रसाद की शक्ल तो देख। ये लड्डू, ये तो मेरे फेवरेट है, पहले क्यों नहीं बताया? खाना बाय बाय। हां बाय बाय। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू यार। एक लड्डू देना, मोटे गाड़ी में बैठ, एक दिन फटेगा ये। बाय ऑल द बेस्ट। बाय। तुम लोग उधर ढूंढो और तुम लोग उधर। लड़कियां बड़ी मस्त है। बैठ की हाय। मेरा लगेज कहाँ है? मैं तो शक्ल से ही कूली दिखता हूँ ना, ये देख तेरा लगेज। हाँ सब लोग आ गए ना। हाय कुमार का, उसे आने में लेट होगा, उसे ट्रेन में एक लड़की मिल गई है। हाँ बात कर रहा, लड़की मिल गई। हाय, सेटिंग हुई कि नहीं? यस। अजय चांद का टुकड़ा है वो लड़की, मैंने अपना नंबर उसे दिया और उसने अपना फोन नंबर मुझे दिया, मामला फिट हो गया। ए, उसने तेरा ही फोन नंबर तुझे वापस दे दिया। हेलो, ये हुबली है, तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी और लड़कियों से तो पंगा बिल्कुल मत लेना, अब चलो यहाँ से। आपकी ट्रेन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। हाँ, सर, ठीक है। और मेरी ट्रेन 3 नंबर पे। ठीक है, आपकी तो 5 नंबर पे आती होगी, जल्दी जाओ। इधर आओ, पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। देखा तुम लोगों ने, ये है हुबली। कम ऑन, अब चलो यहां से। ड्रम सुन। हाँ बोलना, जरा ठीक से करना। अरे नाजुक कमर लगा रहे, गुदगुली होती है रे। हाँ हाँ, जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो कि तुम भोली भाली हो। अंकल आप? पल्लवी पल्लवी जल्दी घर चलो। क्यों, क्या हो गया? उस वीरभद्र ने तुम्हारे बड़े भाई को मार डाला। क्या?
नमस्ते माजी। नमस्कार माजी। अरे कमीनो, ये नमस्कार चमत्कार छोड़ो और काम करो। काम चोर साले। ए पहलवान बोल दे। आजा मेरे शेरू, आजा, शाबाश। मैंने अपने बड़े साले को मार डाला। अब उसको क्यों मार डाला? पूरे गांव को पता है कि मैं उसकी बहन से शादी करने वाला हूँ, मगर वो बेवकूफ अभी भी उसके लिए लड़का ढूंढने जा रहा था। लोग मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए उसे खत्म कर डाला। तेरे ससुराल वाले भी कितने बदनसीब है रे। अगर लड़के की मौत पर इतने आंसू बहा देंगे वो लोग, तो फिर लड़की की विदाई में क्या खाक रोएंगे बता। सीधर को खबर कर दी ना, कितना प्यार था दोनों भाइयों में। दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की हमेशा साथ। हमको छोड़कर कैसे चले गए? कैसा जी, तैयारियां पूरी हो गई ना? हाँ हो गई। याद रखना, सब कुछ रीति रिवाज से हो। कोई सभी धक्का नहीं पड़ेगा। श्रीधर, तुम आ गए बेटा। देखो देखो, तुम्हारा भाई हमें छोड़ के चला गया। शिबू देख, मेरा भाई आया है। अब तो उठ जा बेटा, आगे कौन? तू चाहता था ना कि तेरे भाई बहन खूब पढ़ाई करे, जिंदगी में आगे बढ़े। देख, तेरा भाई आज इंजीनियर बन के आ गया है। अब तो आगे कौन बेटा? हरी से बोलना कि उठ जाए, उठ जाए। वो तो पल्लवी के लिए लड़का देखने जा रहा था, वीरभद्र ने उसे रेलवे स्टेशन पर ही मार डाला। बिल्कुल दया नहीं आई उसे। वीरभद्र, मारिए मालिक, मारिए, मारिए ना। तू तो बहुत शाना है रे। इधर आ, अभी तू मुझे मार, मार मुझे, बोला ना मार। मारना हो किसी को तो ऐसे मारो कि उसे चक्कर आ जाए और दिन में ही तारे दिखने लग जाएं। बहुत धांसू कला है ये। आओ आओ छोटे साले साहब, कैसे हो तुम? आओ आओ।
वाह 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 वाह, कैसे हो? ये सुबह सुबह आंखें इतनी लाल क्यों कर रखी हैं? क्यों भाई? लगता है अपनी भाई की मौत पर बहुत आंसू बहाए। हे, अरे कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, थोड़ा नींबू भी मार देना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्या कहा था मैंने तुमसे? मैंने कहा था अपनी बहन को मुझे दे दो। रखेल थोड़ी ने बनाना था, शादी कर दी थी उसने, मगर उसने सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तो चुप कैसे बैठ सकता था मैं? असली मर्दों भाई, जवाब तो देना ही था, खलास कर दिया। ए, कोल्ड ड्रिंक लाओ। मार दिया। छोटे वाले को भी मार डाला। अब सास ससुर को मत मारना, वरना तेरी बीवी का कन्यादान कौन करेगा? माँ बाप खरीद के लाने पड़ेंगे उसके लिए। चल, तेरी गर्मी उतारने के लिए तेरी शादी की बात करके आते। चलो माँ, चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हैं? ये क्या? क्या ये? दिवाली पर बच्चों को फोड़ने के लिए लवंगी बम बना रहा है क्या? बम बनाना है? अरे हुबली में बम फूटे तो गूंज ओबामा के कान तक जानी चाहिए। सुना तूने माँ ने क्या कहा? सब काम ठीक से कर। ए, गाड़ी निकाल। आमा। ए, माँ को जल्दी भेज रहे। नमस्कार। बैठो बैठो बैठो। अरे कहाँ जा रहे? अरे नमस्कार ससुर जी, नमस्कार सासू माँ। ए, आजा। ये छोटे साले साहब के लिए, ये बड़े वाले के लिए, मां इनकी आत्मा को शांति देना। हां, ससुर जी, पल्लवी कहीं नहीं दिख रही है? पल्लवी, पल्लू। अरे बैठ समधी, बैठ। कहाँ चली गई? हाय डार्लिंग। पल्लवी थोड़ा जूस तो पी लो। हेलो सालियों। अरे कहाँ चली मेरी आधी घरवालियों? हाय, क्यों इतना उदास हो? मुझसे नाराज हो गया? नाराज होना भी चाहिए, बहुत बुरा आदमी हो ना मैं? कार में बम लगा दिया, 5 लोग मर गए। एक बार मेरी कार को एक बस ने ओवरटेक किया तो मैंने बस ही जला दी। प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स, इलेक्शन वगैरह के मामलों में मैंने यही कोई 30-40 लोगों की जान ले ली होगी। मजाल है मेरे खिलाफ कोई गवाही दे? सच कहूं तो मुझे देखकर लोगों की पैंट गीली हो जाती है, मगर तुम्हारे भाई की नहीं हुई तो मैं क्या करता, मैंने उसे मार डाला। जलवा, मेरे जलवे के और मेरी बहादुरी के कई किस्से सुने होंगे तुमने। चाहे वो माँ हो, बेटी हो, विधवा हो, अगर वो मुझे भा जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ता। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने कभी तुमको हाथ लगाया, कभी टच किया, क्यों नहीं किया? क्या रीजन? I love you. देख समझी, मेरा भोला भाला बेटा तेरी बेटी के चक्कर में है, शादी तो वो करेगा ही। हीरे जैसा जवाई है तेरा, पता नहीं तेरे बेटे को क्या खुजली हुई कि बीच में टांग अड़ा रहा था वो। अब मेरा नन्हा मुन्ना 15 साल बड़ा ही तो है तेरी बेटी से। मेरा पति भी तो 15 साल बड़ा था, क्या उसने मुझे बच्चे नहीं दिए? तेरी बेटी को भी बच्चे देगा वो, मैं वादा करती हूँ। 6 महीने के अंदर नाना नानी बन जाओगे तुम दोनों। देख, पैसों की चिंता मत करना, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लगन का मुहूर्त कल का निकला है, पंडित जी से बात करके आई हूँ मैं। अपने बेटों का शोक करना छोड़, अब मुर्दे जिंदा नहीं होते, लगन पत्रिका भिजवा रही हूँ। ए वीर, आजा। अब चलता हूँ, स्माइल प्लीज। आई लव यू। हाँ, तेरे घर में चूना पुतवाना ही पड़ेगा। पिताजी, मैंने एक फैसला किया है, मैं वीरभद्र से शादी कर लूंगा। ये
ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये फैसला मैंने पहले ही कर लिया होता तो आज मेरे दोनों भाई मेरे साथ होते, और अब मैं नहीं चाहती कि आप दोनों को कुछ हो जाए। ए पटेल, माँ जी ने हमें यहाँ पर भेजा है, हमें इस घर को पेंट करना है और कल शादी के लिए सजाना है। ए, इनका कहीं और रहने का बंदोबस्त कर, हमें काम शुरू करना है। ए, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? केज बनाना शुरू करो। भाई ने क्या बोला? जाके केले के पत्ते लेके आ। चलो चलो बातें कम करो, काम करो, सुबह तक काम पूरा हो जाना चाहिए। पाटिल साहब, आप सब एक कमरे में चले जाइए। ए, क्या टाइम पास कर रहे हैं? जल्दी जल्दी हाथ चला, मालूम है ना कल सगाई है, सुबह तक काम नहीं पूरा होना तो टांगे तोड़ दूंगा। कस के बांधना, क्या कर रहा है? हाँ भाई कर रहा हूँ। अरे ठीक सा लगा इसको, अंदर का काम हो गया क्या? नीचे ले इधर, माला बराबर लगा। कहाँ गए थे आप? बताता हूँ, अभी सब कुछ बताता हूँ। ये लो बेटा, ये तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये तुम्हारा पासपोर्ट है, और ये पैसे भी रख लो। आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? तुमको अब यहाँ नहीं रहना है। मैंने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे अंकल से बात कर ली है। उन्होंने मुझसे कई बार कहा था कि तुम्हारी डिग्री पूरी होते ही मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँ। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम अब यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रही तो वो राक्षस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये पैसे रखो और चलो, तुम अपने अंकल के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाओ बेटा। चलो जल्दी करो, चलो। लगता है वो लोग आ गए। ओ जल्दी करो बेटा, चलो। नहीं पिताजी, मैं आप लोगों को जाओ बेटा, जाओ जल्दी, घर से कैसे चल सकते हो? चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो। नहीं अपना बैग पकड़, चल 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 जल्दी आ, तू यहाँ से निकल, चल जल्दी कर, काम पूरा करना है। यहाँ पे सब सामान रख बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। तू जा बच्ची, बोलिए क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे बोलिए मैडम जी, उस तरफ की पेंटिंग हो गई है, आप उस रूम में शिफ्ट हो जाइए, हमें यहाँ पेंटिंग करनी है। हाँ। चलो बाहर। जब भी आंख बंद करता हूँ या खोलता हूँ तो तुम ही दिखाई देती हो। हाँ, क्या खबर? सारा बंदोबस्त हो गया? हो गया भाई। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। मालिक, जैसे आपकी शादी आपकी माशुका से होने वाली है ना, जिसे आप बचपन से चाहते हो, वैसे ही मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे बुलेट मिले, वो आज बिल्कुल पूरी हो गई मालिक। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम इस नई फटपटिया पर बैठ कर क्यों नहीं आए? धक्का क्यों लगा रहे हो? उसका भी एक कारण है मालिक। मैं आपके चरणों में ये बुलेट इसलिए लेके आया, पूरा शोरूम से धक्का मार के, ताकि पहले किक आप इसे मारे। अच्छा, मारिए मालिक, मारिए मारिए मारिए। क्या सुरीली किक थी। मेरा भी सुरीली शहनाई सुनने का बहुत मन है, जल्दी से माताजी को बुला कर ना, देरी हो रही है। ए कल्पेश, ट्रक में से बोरियां निकाल बे।
मेरे सपनों की रानी, यहाँ देखो तू ही तू है, कैसे भागती है रे हिरनी। भागेगी तो मेरे पैर नहीं दुखेंगे क्या? You know I loves you. अरे कसम से, शादी करनी बाकी है, हनीमून पे जाना बाकी है, एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख दो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू भागेंगे घर में। हाँ मुझे छोड़ दो, होते नहीं, होते नहीं, छोड़ दो, अब तो फौरन मेरे साथ चल, मेरी बात मान, चल मेरे साथ। मुझे जाने दो, जैसे दबंग आदमी को इसने बीच चौराहे पर मारा, आखिर ये है कौन भाई? इसे पहले तो कभी नहीं देखा, जरूर बाहर से आया होगा। उधर देखो, ये सब इसके गुंडे हैं। छोड़ू मैं तुम्हें? पता नहीं क्या Ah!
Thank you.
पैसा वैसा चाहिए क्या? चल मेरे साथ, मैं देता हूँ। मैंने कहा ना, चल मेरे साथ, जितना चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन मेरी जिंदगी तुम उससे मत छीन। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? I love her. ये मेरी लाइफ है, मेरी वाइफ है। I love her. Hello. अरे उसकी डोली मेरे ही घर आनी है, पालकी में बिठा कर ले जाऊंगा। और तू सारा बीच पे आकर खाली पीली कबाब में हड्डी बन रहा है। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। मेरे ही गांव में आकर बीच चौराहे पर मुझ पे हाथ उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबे काट के फेंक दूंगा। ए, ध्यान रहे, इस गांव की सरहद से बाहर नहीं जाना चाहिए ये। रुक जा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पिछड़ जाओ, उससे चाकू लगाया हुआ मेरी जान पर, पिछड़ जाओ। कुछ नहीं करना, उसे कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। प्लीज मेरी मेरी ये भी नहीं जानता कि तू कौन है, बस इतना जानता हूं कि ये लड़की मुझे बचाएगी। तेरे लिए इसकी जान और मेरे लिए अपनी जान। और ये मेरी जान है, मेरी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इधर आ, सुना नहीं पड़ता क्या? बुला रहा है, आ रहा है, आ रहा है। शांति, चल अपनी लुंगी उतार। उतार, जल्दी उतार। नीचे बिछाए से। अरे पहरे बिछा रे, जल्दी बिछा। मैं बिछाता हूँ। ये लीजिए। तेरे इन टट्टुओं से बोल अपने हथियार यहाँ डाल दे। हाय, हथियार डाल दो, जल्दी डालो। फेंक दिया। बांध दे इसे। हाँ, बांध रहा हूँ। बांध दिया। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, तुम जो कहोगे। अब जाके ये उस जिप्सी में रख दे। अरे जाके रखता क्यों नहीं पहरे? जल्दी जा, उठा, जल्दी जा। भाग। जिप्सी को छोड़कर सारे गाड़ियों की हवा निकाल दे। हाँ, जा, सारी गाड़ियों की हवा निकाल। चलो जल्दी। अब तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है ना? बस इसे कुछ मत करना। देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली। अब इसको छोड़ दो। जाने दो इसको। पीछे। तुम जाकर जिप्सी में बैठो। अरे संभाल के, धार बहुत तेज है। जाओ अंदर बैठो। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो। अरे छोड़ दो। अरे आओ ना। आने दो उसे, नहीं छोड़ूंगा आज। अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी तरफदारी मत किया करो। अभी तक साहबजादे घर वापस नहीं आए हैं, क्या मतलब है इसका? हम उसका वेट कर रहे होंगे, क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है उसमें?
कहाँ है, कैसा है, हमें कोई आइडिया नहीं। वहाँ दंगे फसाद के बाद उसके सारे दोस्त हुबली से वापस आ गए हैं, मगर इसका कोई अता पता नहीं है। उसने एक फोन तक नहीं किया। वो मैं कर चुका हूँ, हुबली का मैच कैंसिल हो गया है। उसके बाद उसे उसके दोस्तों के साथ वापस आ जाना चाहिए था। हाँ चलो शुक्र है, हुबली का मैच कैंसिल हो गया और फाइनल एक हफ्ते बाद बैंगलोर में ही होगा। मेरा बच्चा किसी दंगे फसाद में ना फंस गया हो। वो किसी मुसीबत में नहीं फंसता, बल्कि तुम्हारा लाडला दूसरों के लिए मुसीबत जरूर बन जाता है। ये मेरे डैड है, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बाथरूम उस तरफ है। मैंने सोचा खर्चे पाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी, तो 100 रुपए पॉकेट मनी भी दिए थे उसे। उसके दोस्तों ने बताया कि सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला था, उसके बाद से उसका पता ही नहीं है। अरे लॉर्ड प्यार ने बिगाड़ा उसे। उस दिन बैंक में उसने कैशियर के भी कान भर दिए, कहा कि मेरे डैडी आपको भूल नहीं पा रहे, प्लीज आप अपना डिसीजन जो भी हो उन्हें जल्दी बता दीजिए। जब मैं बैंक गया तो वो मुझसे बोली, सर मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, सर मैं वैसी औरत नहीं हूँ। और वो रोने लगी। बताओ कोई बेटा अपने बाप के बारे में ऐसी बकवास कैसे कर सकता है। मैंने कहा था ना हमारा बेटा हाथ से निकल चुका है, किसी की सुनता तक नहीं है। हाँ डैडी, भैया अपने बड़ों से बिल्कुल नहीं डरता, पता है आजकल वो मुझे बहुत परेशान करता है। मेरी बहन है, सिर्फ नाम से ही कैडबरी है, डैड से चुगली करती रहती है, बहुत डीप। अब जब वो घर आएगा ना डैडी, तो आप उसकी अच्छे से खबर लेना, पिटाई करना उसकी। तू चुप कर, हमेशा अपने भाई की शिकायत करती रहती है। मेरी माँ है, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी साइड लेती है। तुम जाओ ना। पता नहीं कहाँ है और क्या कर रहा है। मैंने एसपी और एमएलए को फोन कर दिया है और कंट्रोल रूम को भी खबर कर दिया है, सब के सब लगे हुए हैं उसका पता लगाने में। मैं उनसे बात करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। मारिए मुझे, मारिए, मारना ही चाहिए। मैच कैंसिल हो गया, हुबली में दंगा फसाद हो गया, फिर भी मैं सीधे घर नहीं आया। इतनी देर से अगर मैं घर आऊंगा तो माँ को फिक्र होगी ना, आपको भी गुस्सा आना ही चाहिए। आप मारिए डैड, मारिए। मैंने 10th स्टैंडर्ड की मार्क लिस्ट गुम कर दी, आपने मुझे नहीं मारा। 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम में नहीं बैठा, आपने मुझे नहीं मारा। इससे पहले कि माँ आपको डांटे कि आप मुझे कभी नहीं मारते, आप मारिए मुझे डैड। ए, ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर। ये चोट कैसे लगी, फिर से किसी के साथ लड़ाई की? लड़ाई की मैंने? छे छे, बस एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, इसीलिए आने में देर हो गई। ये चोट तो प्रैक्टिस के वक्त लगी है माँ। चोट देखकर लगता तो नहीं कि प्रैक्टिस के वक्त लगी है। दिव्या बी सीरियस, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये दोनों मेरे लिए कितने परेशान हुए होंगे। डैड ने लोकल एसपी को फोन किया होगा, वहाँ के एमएलए को मैसेज भी कर दिया होगा, और तो और कंट्रोल रूम को खबर कर दी होगी। ए भैया, तुम्हें कैसे पता कि डैडी ने ये सब किया? ए डैड के मन में क्या चल रहा है ये बेटे को पता है, बेटी को नहीं तुम्हें लगता होगा। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार वो अपने होनहार बेटे से करते हैं। तुम तो शादी करके चली जाओगी। ए, तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? ए, भाग यहाँ से। डैड, दंगों की वजह से मैच कैंसिल होने के बाद मैं फौरन आप दोनों से मिलने के लिए निकला था, पर ना मुझे बस मिली ना ट्रेन, तो मैं क्या करता, परेशान हो गया था। तब एक ट्रक में लिफ्ट ले ली, ड्राइवर ने 300 रुपए मांगे और आपने सिर्फ 100 रुपए दिए थे। मगर मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे ना? वो पैसे तो हुबली पहुंचते ही चोरी हो गए थे माँ। पैसे चोरी हो गए, कंप्लेंट लिखवाई। क्या डैड, एसीपी का बेटा और कंप्लेंट करेगा? छे छे, मैं तो गुड्स ट्रेन में बैठ के चला आया। कभी कहते हो ट्रेन नहीं चल रही है, कभी कहते हो चल रही है। तो तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इधर इधर आना, तेरी कसम खाता हूँ। मैं तो भी बहुत छोटी हूँ, प्लीज मुझे मत मार। मेहरबानी करके मेरी कसम मत खा। 10th में दादाजी की कसम खा कर कहा था मैं डिस्टिंक्शन लाऊंगा, पर तू तो उन्हें ही खा गया। क्या कह रही है माँ? दादाजी बीमार थे, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें डैड की कसम। अरे मेरा पेट क्या दर्द कर रहा है, पेट दर्द हो गया। अजय क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा है माँ? सुनो क्या हुआ। तुमने ली और अब तुम झूठ बोल रहे हो। Hey, you shut up and eat your puri. माँ,
देखो ना, भैया ने मेरी पूरी भी खा ली। क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? उड़ा ले गया, जाओ कंप्लेन करो। पुलिस वाला बना दिया। डैड, आप इतना ऑयली खाना मत खाया करो, आपका पेट बहुत बार आ रहा है। माँ, इन्हें दही चावल तो खाने के लिए। चावल ही खाओ। ठीक है, इतना खा पाओगे ना? बस बस ठीक है, मेरा हो गया फुल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो खा लो, बहुत अच्छी है, मेरी माँ ने बनाई है। अरे क्या हुआ? तो डैड हिचकी। पानी लाऊं क्या? नहीं नहीं डैड, मैं ले लूंगा। ले बेटा पानी पी। ओके। ए भैया, तुम्हारी हिचकी में इतना एको क्यों आ रहा है? प्रैक्टिस में मेरा गला खराब हो गया। तुम कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे थे या गाना गाने की? सच सच बताओ। ये बात। दिव्या, किसी ने प्रैक्टिस में मेरा गला पकड़ा और गला खींच लिया। ओके, ओके। पल्लवी, तुम फिक्र मत करो, ऑस्ट्रेलिया का वीजा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब जैसा तुम्हारे पापा चाहते आगे बिल्कुल वैसा ही। ओके, डोंट वरी, ठीक से सो जा, मैं तुमसे सुबह मिलूंगा। भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की, कौन है वो? पता नहीं भाई। और वो है कहां? वो भी नहीं पता। ये तो पता होगा कि वो किस तरफ गया है, या वो भी नहीं जानते? बैंगलोर की तरफ गया है। हे, मैं लॉ एंड ऑर्डर को हिला के रख दूंगा। हुबली, कित्तूर, चन्नम्मा चौराहे से बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन तक कांपेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उस लड़की को ढूंढ के लाऊंगा और मेरे भाई से उसकी शादी करवाऊंगा। आपके पैर छूकर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ अम्मा। शाबाश, अब लग रहा है तुम मेरी औलाद है। ए वीरभद्र, शादी की तैयारी कर। उस दिन वो जॉगिंग के लिए गया, उसके बाद उसका कोई अता पता ही नहीं। हाँ यार, फोन तक नहीं किया उसने। कहाँ गया होगा? आ जाएगा यार। लो आ गए महाराज। अरे अजय, तू उस दिन हुबली में जॉगिंग करने के लिए गया था, उसके बाद तू हमसे सीधा यहाँ मिल रहा है। तुझे पता है हम सबको कितना टेंशन हो रहा था, कहाँ रह गया था तू? शुक्र है उन दंगों की वजह से अब हमारा मैच बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। वहाँ किसी ने उस गुंडे वीरभद्र को मारा जिसकी वजह से दंगे शुरू हो गए। पता नहीं वो कौन था। किसी और ने नहीं, मैंने ही मारा उसे। अजय, तेरा दिमाग खराब है क्या? वो किसी लड़की को सड़क पर घसीट कर ले जा रहा था और मैं बस देखता रहता क्या? अजय, तुझे पता है वो कौन है? वो होम मिनिस्टर का छोटा भाई है। और वो लड़की कहाँ है? मेरे घर में, मेरे कमरे में। अजय, तेरे डैड वैसे ही ब्रह्म राक्षस ऑफिसर हैं और वीरभद्र होम मिनिस्टर का छोटा भाई। अब ऐसे सिचुएशन में तेरा तो डबल बैंड बजने वाला है बच्चू। ना तो तेरे डैड तुझे छोड़ेंगे और ना ही वो होम मिनिस्टर। यार ड्रम बकवास मत। देख, उस लड़की को ऑस्ट्रेलिया जाना और मैंने उससे वादा किया है कि वीजा का काम मैं करूंगा, तो अब बस उसी पर फोकस करो। ओके अजय, हमारा फाइनल मैच 2 दिन बाद है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम प्रैक्टिस कब करेंगे? पहले वीजा, प्रैक्टिस हम उसके बाद करेंगे। अजय, तुम्हारे ये सारे निकम्मे दोस्त हुबली से वापस आ गए। तुम नहीं आए तो पता है मैं कितना परेशान थी। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, इसलिए आज ही मैं मंदिर जाकर हम दोनों के हैप्पी फ्यूचर के लिए प्रार्थना करूंगी। बाय बेबी। कहीं की। हमने शहर के सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दिया है, हमने ट्रैफिक पुलिस को भी इसमें शामिल किया है।
वो यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकते सर। इतना ही नहीं, हमने डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर्स को केस की डिटेल्स देकर काम पर लगा दिया है। सर, सर, अरे ये सर, सर कौन है बे? आप लोगों का डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है? आप लोग ड्यूटी कर रहे हो या फिर सो रहे हो? हैं? खर्रांटे तो खुद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सोया हुआ है। मैं एक बात बता देता हूँ, जब से मैंने अपने भाई का हाल देखा है, मेरा न खाने का मन होता है और न सोने का। अरे जिस लड़की से मेरा भाई शादी करना चाहता था, उसे कोई और ही उड़ा ले गया। उड़ा नहीं ले गया है सर, किडनैप कर लिया है। हाँ वही, किडनैप कर लिया। मुझे वो बंदा चाहिए। ये कैसे होगा, तुम लोग कैसे करोगे मुझे नहीं पता। बस 24 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट करो और मेरे सामने पेश करो, वरना याद रखो मैं इंसानियत भूल जाऊंगा, समझ गए? पहली बार पता चला कि ये इंसान भी है। मैं ये केस आपको दे रहा हूँ, उसे तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप लड़के के कुछ डिटेल्स दें या लड़की का कोई फोटो मिल जाए तभी कुछ हो पाएगा। ये सर, अरे भाई वो फोटो का कुछ बंदोबस्त करो। ओके सर, चलो काम पे लग जाओ। यस सर। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई माँ? मेरी खबर लेना छोड़, उस लौंडे की कुछ खबर मिली तुझे? मैंने शहर के सारे ऑफिसर्स को काम पे लगा दिया है, वो उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करेंगे और मेरे सामने लाके खड़ा करेंगे। कुछ नहीं होने वाला उन ऑफिसर से, आप देख लेना, एक दिन मैं ही उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों की दावत करवाऊंगा, बता दो इन्हें। ए मगन, अगर तूने उस लड़के को नहीं ढूंढा तो तेरी होम मिनिस्ट्री गई समझ, होम में ही बैठ के होम मिनिस्ट्री करना। फूटी मेरी किस्मत। अजय 8 बज गए, उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ला रही हूँ। दिव्या तुम्हारा दूध भी तैयार है, जल्दी उठो। अरे बाप रे, मर गया। ये अभी तक सो रहे थे, तुम तो कह रहे थे प्रैक्टिस के लिए जाना है। उठ जाओ, मैंने तुम्हारी कॉफी रख दी है, उठो कॉफी ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ? काम पड़ा है, अब तेरी ड्रेस भी ढूंढ कर देनी पड़ेगी। खुद का काम तो कर लिया कर। कौन सी ड्रेस? वाइट वाली माँ। तो भूल कर देती हूँ, ये ले, सामने तो पड़ी है। बवाल करती हूँ, 5 मिनट ज्यादा सोती हूँ तो इतना चिल्लाती हूँ। उसे देखो वहाँ घोड़े बेच कर सो रहा है। उसकी छोड़, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, जल्दी नहा करा। हेलो आंटी, मैं बोल रहा हूँ। कौन? सुबह इतनी जल्दी कहाँ उठता है? मैं उसे कब से उठा रही हूँ पर वो उठ ही नहीं रहा। वैसे ये बताओ कबड्डी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है सबकी? एक मिनट मैं जरा देखती हूँ। हाँ उठ गया, ये लो रंग का फोन। तुमने अभी तक कॉफी नहीं पी, ठंडी हो रही है, जल्दी पी लो। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया अजय? सुबह सुबह सस्पेंस ड्रामा हो। अच्छा मुझे क्या करना है? तू ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जा और वीजा की फीस का पता कर। मैं पासपोर्ट और सर्टिफिकेट लेकर आता हूँ, वीजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जो भी जरूरी अरेंजमेंट है सब कर दे। ओके गुरु। चाहे जो कुछ हो जाए हमें उसकी हेल्प करनी है, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, डोंट वरी। चल भाई। अरे दुपट्टा कहाँ गया? hey! क्या चाहिए तुझे? माँ ने ड्रेस तो निकाल दी पर दुपट्टा नहीं निकाला, वही निकाल रही थी। अभी दुपट्टा लेने आई हो फिर शॉल लेने आओगी? कितनी बार कह चुका हूँ मेरे कमरे में मत आओ, जाओ। पर मेरा दुपट्टा कबर्ड में है भैया। मेरे कबर्ड को हाथ मत लगाना। अंदर क्या हीरे मोती जड़े हैं? हाँ। ठीक है। क्या हुआ? किंग कॉन्ग की तरह क्यों चिल्लाए? तुझे डराने के लिए। क्यों, डर गई थी ना? ओवर एक्टिंग बंद करो, अब तुम बच्चे नहीं हो। ये रहा मेरा दुपट्टा। हाँ, ओके। हाय अजय। हाँ, तेरी दादी को। चिक 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 च
मुझे कितनी टेंशन हो गई थी, और तुम यहाँ गोल्डन बाल वाली गुड़िया। तुम अभी भी यही हो, नहाने नहीं गए? चलो जल्दी नहा कर आओ। ये मैं कैडबरी के लिए लेकर आया था। ये डॉल इतनी क्यूट है ना? ये बस एक गुड़िया है, इसमें क्या कमी हो सकती है? चलो चलो लगा देती हूँ। क्यों डरा रहा है? बिंदी लगानी है? मैं लगा था, मैं लगा था। तुम्हें भी इस डॉल जितनी क्यूट लगी। मिल जाए, चलो प्रैक्टिस के लिए लेकर। सर सर, होम मिनिस्टर साहब आए हैं। होम मिनिस्टर? गुड मॉर्निंग सर। कृष्णमूर्ति, ये बताओ वो केस कहाँ तक पहुँचा? कुछ पता चला या नहीं? सर कुछ क्रिमिनल्स की फोटो है, आप देख के बताएंगे? अच्छे से देख। ये नहीं है, ये भी नहीं है, अरे ये भी नहीं है, अरे कह रहा हूँ ना कि इनमें से कोई नहीं, बता दिया ना। सर तो फिर आप ही बताइए कि वो कैसा दिखता है, ये हमारे एक्सपर्ट है, उसका स्केच बना देंगे। अच्छा तुम लोग उसका स्केच बना लोगे? ए जाकर बताओ, जल्दी बताओ, जाओ जाओ। गलती नहीं होनी चाहिए। धीरज रख छोटे, धीरज रख। देखिए उसकी आंखें बिल्कुल बब्बर शेर जैसी थी, बड़ी 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 बड़ी। उसकी नाक कैसी थी? उसकी लंबी। हाँ उसकी नाक लंबी थी, लंबी एकदम तोते की तरह, लंबी तोते की तरह। उसके बाल, बाल घुंघराले थे। हाँ उसके बाल घुंघराले थे, लंबे बाल, लंबे और घुंघराले। और उसके कान? हाँ उसके कान कैसे थे? बाबा रे बाबा, ये क्या बन गया, साक्षात उसी की तस्वीर बन गई। वाले देखिए दादा, बाप रे बाप, ये तो है सबके बाप, बाप का फोटो बना दिया। ये क्या हो गया, जैसे इसने बताया मैंने वैसे ही बनवाया, पर ये तो डॉक्टर राजकुमार जी का चित्र बन गया। हम यहाँ उसको ढूंढ रहे हैं जिसने छोटे की रगड़ रगड़ के धुलाई की। अगर हम ये फोटो देखकर उसको ढूंढने निकले तो भारत की जनता हमारा कचूमर बना रहे। लड़की का हुलिया कैसा है, उसका फोटो है? अगर फोटो दे दिया तो क्या ढूंढ लोगे? अरे रे रे रे, कैसी पागलो जैसी बात कर रहा है छोटे, ये बहुत ईमानदार ऑफिसर है, उसका फोटो दे, ये उसे ढूंढ निकालेगा। फोटो तो दे दूंगा, अगर नहीं ढूंढ पाए तो वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी। चलो रे। आ, जाओ जाओ जाओ। ना ये प्यार में पागल हो गया है। जिसने भी इसको पीटा है बिल्कुल नेक काम किया है। नहीं उसे यहाँ खुद ही आना पड़ेगा। सर प्लीज कुछ कीजिए, सॉरी हेल्प कर दीजिए। रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट। अजय अब क्या करेंगे? ये देख आ गए। काम हुआ क्या? लड़की को खुद ही यहाँ आना पड़ेगा। कल और परसों दोनों दिन छुट्टी आ गई यार, और अब तो हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं। अब क्या होगा अजय? मैं उसे लेकर आऊंगा। ऑफिस जाना है, ये बुर्का पहनो और तैयार हो जाओ। ओके जल्दी। बुर्का पहन के वीजा ऑफिस जाना है? कौन है ये पल्लवी? पल्लवी कौन पल्लवी? मुझे बताओगे या डैडी को पूछताछ के लिए भेजूं? दिव्या तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन, मेरे माँ बाप सब कुछ तुम ही तो हो। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ बेटा, पल्लवी कौन है? तुम्हें उल्लू नहीं बना सकता पल्लवी। अरे क्या करी, मैं तेरी हर बात मानूंगा, चाहे तो ये रूम भी तू रख ले, पर किसी से कुछ मत कहना प्लीज। मैं तुम्हारी जैसी अकड़ू नहीं हूँ, जब इसे मेरी हेल्प चाहिए होती है ना तो मुझे बहुत मस्का लगाता है। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक्स कैडबरी। पल्लवी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ छुप गया वो? ये बताओ
पूरी हुबली वीरभद्र के नाम से थर थर कांपती है। तो उस छोरे ने उन्हें मारा कैसे? अरे मैंने तुझे क्या बोला था, वो बब्बर शेर की तरह आया, मालिक की कुत्ते की तरह पिटाई की और बिजली की तरह वहाँ से गायब हो गया। मेरे को कुत्ता बना। जब भी आँख बंद करता हूँ मुझे वही दोनों दिखाई देते हैं, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँ, करूँ तो क्या करूँ। क्या हो गया है मुझे, क्या अब इधर में दिखाई पड़ रहा है, पागल हो नहीं जाऊंगा, हो गया हूं। अरे अंधे सिग्नल हो गया है। आजकल वीजा मिलना कितना मुश्किल हो गया है ना। हाँ सही कह रही हो पल्लविया। ये लीजिए। हाय हाय हाय। चलो अच्छा है, कम से कम अपना वीजा का काम तो पूरा हो गया, अब दो दिन हम सब मिलकर जम के प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ये बता, वो हुबली वाली लड़की है कहाँ? पल्लवी मैंने कहा था ना, मेरा भाई हुबली से एक डॉल जैसी लड़की लाया है। यही है वो। हाय। वाओ ये तो एकदम डॉल जैसी है। सो क्यूट। हाथ हटा। क्यूट? ये कोई डॉल है क्या? कैडबरी की बच्ची, तू इन सबको यहाँ क्यों लेकर आई? तेरे पेट में कोई बात रहती ही नहीं है। चाय की दुकान हट रे। बाबी डॉल तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम कल से हमारे साथ स्कूल चलना। क्या कहा? स्कूल चलना? ड्रम, हाँ। इन सारी लड़कियों को ले जा, आइसक्रीम लॉलीपॉप केक शेक जो मांगे खरीद कर दे दे, बस इनको यहाँ से ले। ओके गुरु। ओके चलो 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 चलो, किसको चाहिए आइसक्रीम केक लॉलीपॉप? इससे क्या होगा, खंबे का इंतजाम नहीं करेगा क्या? गुरु मुझसे नहीं होगा ये, इन्हें पीना है तो पिला दे, पी के टून हो जाएंगे। भैया डैडी। कैडबरी यहाँ? नहीं आऊंगी। कैडबरी मैंने कहा यहाँ। अगर आऊंगी तो तू मारेगा। अगर नहीं आई तो और जोर से मारूंगा। रुक 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 जा। रुक जा कैडबरी, हाथ आई ना तो छोड़ूंगा नहीं। रुक। कितना भागेगी? अरे कहाँ जाएगी? रुक जा पल्लवी। अरे मैं ये पकड़ लूंगा, ठहर जा। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। रुक जा। रुक रुक। क्या हुआ? कितना भागेगी? अब कहाँ जाएगी? रुक जा। उसको क्या हो गया? वो रो क्यों रही है? उसे अपने घर वालों की याद आ रही हो। अब क्या करें भैया? यस यस। क्या हर वक्त रोती रहती हो, कम से कम एक बार तो स्माइल करनी चाहिए। बर्थडे के दिन रोना अच्छी बात नहीं होती। क्या हुआ, यही सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता तुम्हारा बर्थडे है? इससे वहां देखो। साफ करो, क्लियर कर दो, पब्लिक को भी यहाँ से हटा दो।
फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ। ओके सर। कोई सुराग मिला? सर, ये किडनैपर बहुत ही होशियार लगता है। उसने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा सर। लगता है यहाँ अपनी जिप्सी छुपाकर कहीं और भाग गया है वो। स्निफर डॉग्स को बुलाओ। तेरे डैड को वो जिप्सी मिल गई है। वही जिप्सी है, हुबली रजिस्ट्रेशन नंबर और पुरानी फैक्ट्री के पास मिली है सर। हाँ वही। ओके सर। ए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ इतनी भीड़ जमा हो गई, हम देखने आए थे कि यहाँ हुआ क्या है? हुआ क्या है अंकल? हाँ? तुम जैसे नालायक लड़के ने लड़की को किडनैप किया और अपनी गाड़ी यहाँ छुपाकर भाग गया। वो कहाँ चला गया? तुम्हारी दादी के घर। तुम्हें क्या पड़ी है इससे? बगल में छोरा और गांव भर में ढिंढोरा। तुम्हारी फाइनल मैच में सिर्फ दो दिन बाकी हैं। प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ और प्रैक्टिस करो। सर, सर, गो, सर, गो। स्निफर डॉग्स आ गए हैं सर। अगर स्निफर डॉग्स आ गए और तुम्हारे घर तक पहुंच गए तब तो वो लड़की पकड़ी जाएगी, फिर तो तेरा भी बांडा फूट जाएगा। बहुत अच्छा पुलिस वाला है, क्या उखाड़ लिया इन लोगों ने? अरे उसकी तो कार भी मिल गई थी, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, बस यहाँ से वहाँ खाली झक मारते रह गए। ये निकम्मे काम चोर रिश्वतखोर सब जानते हैं लेकिन बताते क्यों नहीं? ये सब क्या है सर? ये हम पे ऐसे शक कर रहे हैं जैसे वो लड़की मेरे घर में ही है। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने वो जिप्सी हमारे एरिया में छोड़ दी और कहीं भाग गया। अरे यार, इनसे चाहे कितनी भी गलती हो जाए लेकिन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हर बात का जवाब इनके पास रहता है। उन्हें पकड़ लिया सर, उन्हें पकड़ लिया गया है। क्या बोला? हाँ सर, पकड़ लिया उनको। पकड़ लिया उनको। कहाँ मिले वो लोग? सर, इस केस पर जो स्निफर डॉग्स काम कर रहे थे ना, उन्होंने चड्डी बनियान गैंग को बॉर्डर पे पकड़ा है। गई भैंस पानी में। एसीपी, वो दोनों मेरे हाथ कब लगेंगे? ये हम पे ऐसे क्यों भड़क रहे हैं सर? तो और क्या करेगा ये? आपको सबूत मिला मगर आप लोग मुजरिम को नहीं पकड़ पाया। सॉरी सर, हम उसे नहीं पकड़। क्यों नहीं पकड़ सकते? वीरभद्र, क्या कहा? क्यों नहीं पकड़ सकते आप उसको? अगर वो मेरे सामने भी आकर खड़ी हो जाए तो भी नहीं पकड़ सकता। आखिर क्यों नहीं पकड़ सकते? आपसे उस लड़की की फोटो मांगी आपने दी? मैं जल्दी से जल्दी उस लड़की का फोटो आपके पास पहुंचाता हूं, आप लोग जाओ। सर, मेरी नई बुलेट भी खो गई है, अगर आप उसे ढूंढ। फोटो लेके क्यों नहीं आया तू? उन्होंने फोटो देने से मना किया। क्या? उन्होंने फोटो देने भाई, मैं काट देना चाहिए था उन दोनों को। भयानक सपना था। ए, ये छोकरी कौन है? पहले कभी इस एरिया में नहीं देखा इसको। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन अजय के साथ डांस कर रही थी। पर ये इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये अजय की गर्लफ्रेंड तो नहीं? क्या बोलता है? अभी पता चल जाएगा, चल देखते हैं। मैडम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पीने आए थे सर। तो चाय पी ली ना? हाँ। तो अब घर जाओ, चलो। हाँ हाँ, ओके सर, चलो चलो। कॉल नहीं लगा क्या मैडम? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ रहते हैं? बस यही पास में। आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। एक मिनट, तुम निकलो, मैं पैदल जाऊंगा। आइए प्लीज। मैंने आपको इस एरिया में पहले कभी नहीं देखा। हम कुछ दिनों पहले ही यहाँ आए हैं। मैं चली जाऊंगी अंकल, आप जाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एरिया सेफ नहीं है। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। यही है मेरा घर। आपका
का घर? हाँ, यही है। यही घर है ना? जी अंकल। यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, आपको अंदर भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, आइए। थैंक यू अंकल, गुड नाइट। ये कौन है? ये मेरे होने वाले पति। मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? ये तो पीछे पड़ गया है। मैं अभी लेकर आती हूँ, अंदर आइए। बैठिए ना। थैंक यू। आप इनसे बात कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, ओके। तुम जाग गए? ये दिव्या, इनकी छोटी बहन है। अंकल को नमस्कार करो। मैं नहीं नहीं अंकल को नमस्कार करो। नमस्कार अंकल। मैं पानी लेकर आती हूँ। बहुत चिपकू है ये। आधी रात को कौन आया है? ये कौन है जी? इसकी वाइफ और उसकी भाभी है, तो बताइए आप इसकी कौन हुई? हाँ, सासू माँ। सासू माँ? क्या रे, शादी की और बताया भी नहीं। माँ, ये कितनी सुंदर है। आजा आजा बैठ जा, आजा आजा बैठ बैठ जा। रात को इतनी चमक रही है तो दिन में कितनी सुंदर दिखेगी। कहाँ तक पढ़ी है? डांस और गाना आता है? हाँ जरूर आता होगा, आजकल की लड़कियाँ तो सब जानती है। मेरी सासू माँ बड़ी मजाकिया है, हमारी शादी का मुहूर्त तो इन सब के सामने ही निकला था। ये क्या, शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया और हमें बताया भी नहीं? यो भाई साहब, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? अब बताइए ये शादी कहाँ होगी, आपके या आपके ससुर के घर में? आप घर क्यों नहीं जाते, आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी। आपने पानी मांगा था ना, मैं अभी लाती हूँ। पानी पीजिए और जाइए, आपको भी तो घर जाना होगा ना। सर, बेटा ये सर को देना। अजय, ये लड़की वही है। अजय, अजय रुको, अजय रुको, अजय लिसन टू मी प्लीज। अजय, अजय नहीं, अजय प्लीज। मेरा हाथ पकड़िए ना, कम ऑन। क्या कर रही हो तुम, हेल्प करो ना, खींचो मुझे डैड को। एक तरफ एसीपी डैड है और दूसरी तरफ वो वीरभद्र, समझ में नहीं आता तुम्हें कहां छुपाऊं। यहां क्या है? इस टैंक से पूरे बंगलौर को पानी सप्लाई होता है, ये तुम्हारे छुपने के लिए अच्छी जगह है। और वो कबड्डी का फाइनल मैच, मेरी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। इस वक्त मेरे सामने दो ही लक्ष्य हैं, पहला तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजना और दूसरा नेशनल कप जीतना।
तुम्हें कोई टेंशन नहीं है? टेंशन? मैं खुश हूं। और तुम? सॉरी, जरा आंख लग गई। हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारा टिकट तैयार है, फ्लाइट कल दोपहर की। वो दोनों अंदर ही उठा लो उन्हें। सीपी, बाहर निकाल, बाहर आ। निकलो यहाँ से। ए वीरभद्र, तुम जानते नहीं ये किसका घर है? तुझे पता भी है तेरे बेटे ने क्या किया है? उसने मेरी मंगेतर को किडनैप किया है। उससे मिलने से पहले मैं औरत को खिलौना समझता था, मगर उससे मिलने के बाद मैं खुद ही खिलौना बन गया हूँ। मैं क्या करूँ इसे भी, दिमाग सटक गया है मेरा, पागल हो गया हूँ मैं। कहाँ है तेरा बेटा? बॉस, रूम में एक सीढ़ी है जो टेरेस की तरफ जाती है। वाह 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 वाह, समझ में आ गया, बस यहीं से दोनों भागे होंगे, यहीं से भागे हैं दोनों। अरे तुम लोग मुझे आंखें फाड़ के क्या घूर रहे हो? मेरे जैसा शरीफ आदमी नहीं देखा क्या? अच्छी तरह से देख लो, और जरा इस एसीपी को भी देखो। ये बाप बेटे की जोड़ी दोनों के दोनों बहुत खतरनाक है। जिससे मेरी शादी होने वाली थी उसे इसके लड़के ने किडनैप कर लिया। एसीपी, तूने हजारों लोग देखे होंगे लेकिन मुझ जैसा आज तक नहीं देखा होगा। खून पी जाऊंगा अगर वो मुझे नहीं मिली तो। सिर्फ 24 घंटे देता हूँ तुम्हें, अपने लड़के को ढूंढ और मेरी मंगेतर वापस कर। अच्छा होगा कि वो तुझे मिल जाए और तू उसे अरेस्ट कर दे, क्योंकि अगर वो मुझे मिल गया तो उसका मार जाए। चलता हूँ। अजय, किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए नहीं देखा ना? नहीं नहीं, पासपोर्ट, वीजा और टिकट सभी इस एनवेलप में है। 4 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, समझा? बाहर सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। वीरभद्र ने तेरे डैड को वार्निंग दी है कि तुझे और पल्लवी को 24 घंटे के अंदर उनके हवाले करना है। एक तरफ पुलिस, एक तरफ वो वीरभद्र, पूरा शहर घेर के रखा है, तू निकलेगा भी तो कहां से? एयरपोर्ट तो भूल जा, उसे यहां से बाहर निकालना भी मुश्किल हो सकता है। वो सब मैं संभाल लूंगा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। मैंने जो कहा था वो लेकर आया हूँ। हाँ लाया, लाओ। इस बैग में पल्लवी के कपड़े भी हैं। ये सेल फोन्स तुम लोग रखो, तुम पांचों अलग अलग जगह पर रखो, एक दूसरे को कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करो। तुम्हें मुझे हर पल का अपडेट देते रहना है। हम एयरपोर्ट पर सीधे 2 बजे मिलेंगे, ठीक है? ओके, याद रखना, एयरपोर्ट पर 2 बजे। हाँ। ओके ओके अजय। और तुम और मैं इतनी जल्दी इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और अब तुम हमें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही हो। कैडबरी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम वापस तो आओगी ना? पता नहीं। हमें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया मत जाओ पल्लवी, प्लीज प्लीज कुछ तो कहो, ऐसे रो मत पल्लवी, प्लीज। ए कैडबरी, तू क्यों रो रही है? ये स्टडी करने अब्रॉड जा रही है, इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मैं नहीं रो रही भैया, ये भी रो रही है, ये देखो। ये तो तेरा टैलेंट है, तू किसी को भी रुला सकती है। देख टैंक में कितना पानी भर गया तेरे आंसुओं से। और तुम्हारा क्या टैलेंट है, किसी की फीलिंग को ना समझना? सही कहा, ये किसी की फीलिंग्स नहीं समझता। मेरा एक ही सवाल है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? अब तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो पढ़ने के लिए, उसमें बुरा क्या लगना है? लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुमको, तुम्हारी फैमिली को, अपने दोस्तों को, इन सब को छोड़कर नहीं जाना चाहती। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे जाने के बाद ना कोई एक्शन होगा, ना टेंशन, ना एडवेंचर, कुछ नहीं होगा। हाँ, नेशनल कप में थोड़ा मजा आएगा, फिलहाल वो सब जाने दो। तुम्हारे कपड़े इस बैग में है, और तुमने कल से कुछ नहीं खाया ना? बैग में कुछ स्नैक्स भी है, कपड़े चेंज करो और फटाफट आ जाओ, टाइम हो गया। ओके, अजय हमें 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंचना है। ये पकड़। हमारा प्लान फेल हो गया है, तेरे डैड को पता चल गया कि तुम लोग वहां छुपे हो, वो लोग अभी पहुंचते ही होंगे यार।
भाग गए। और नो कम ऑन मूव। अजय सामने से पुलिस आ रही है, पीछे से वीरभद्र के गुंडे। वो बाइक कहाँ है? गांधी चौक में। जल्दी खाओ यार, इन्हें जो चाहिए खिला देना। ठीक है साहब। हेलो, सब ठीक है ना? यहाँ सब ठीक है। गाड़ी कहाँ पार्क की है? राजभवन रोड पर। और चाबी कहाँ है? बम्पर के नीचे। ओके, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ओके ओके। सुनो, यहाँ जो लड़की थी कहाँ गई? वो उस तरफ चली गई साहब। चली गई थी? पास में शॉपिंग कर रही थी। ये कोई वक्त है शॉपिंग करने का? कितना डर गया था मैं, पता है? इस वक्त मुझे तुमसे ज्यादा टेंशन हो रही है। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ या तुम? नहीं, क्या मैं जा रही हूँ ना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। कल तुम्हारा फाइनल मैच, तुम जरूर जीतोगे। मैं दुआ करूंगी, बेस्ट ऑफ लक। जरूरी था क्या? चलो।
कुछ ही देर में तुम चली जाओगी। इस वक्त अपने मन में जो भी सोच रही हो वो कह क्यों नहीं देती? तुमने कुछ कहा नहीं फिर भी मैं सब समझ गया। आखिर मेरे सीने में भी एक दिल है, पत्थर का नहीं हूं। दरअसल पल्लवी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुमने कहा था मैं लड़की की फीलिंग नहीं समझता, ये भी नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है। वहां देख। ठीक है पल्लवी, देर हो रही है। पल्लवी चलो। ये तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट, तुम्हें बोर्डिंग कार्ड अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर तुम्हारे सर्टिफिकेट्स और पापा ने दिए हुए पैसे, ये रखो। मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया। हाँ एक मिनट। हाँ ये देखो, ये तुम्हारे अंकल का नंबर है, मैंने कल रात को उनसे बात कर ली थी, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। ये भी रखो। हे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। तुम मुझे पहुंच के फोन तो करोगी ना? मैं इंतजार करूंगा। ओके लेट हो रहा है, तुम जाओ। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाइक की चाबी दे, प्रैक्टिस करनी है, चलो ग्राउंड चलते हैं। अब चलो। पल्लवी बैठो। तुमसे कहा था दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, मगर तुमने एक नहीं सुनी। देख लिया नतीजा, तुमने वीरभद्र को मारा ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम जानते तक नहीं। उसी वजह से हुबली में जो फाइनल मैच था उसको भी कैंसिल करना पड़ा, और ये सब तुमने एक अनजान लड़की। अब तक वो लड़की मेरे लिए अनजान, लेकिन अब
वो मेरी जान है। How I am looking, मामी? अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर लग रहा है। आ तेरी नजर उतार देती हूँ। तू चाहे किसी का मर्डर कर या किसी से शादी कर, असली मर्द तो तू ही है। बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा है। जा जल्दी जा, जिस लड़की पे तू मरता है अब वो तेरी होने वाली है ऊपर से नीचे तक। जा जल्दी। ऐसा क्या? हाँ। I loves you. रावण की लंका में आकर चिकन खाने का अंदाज ये पहली बार देखा। अरे भाई, मेरी बीवी मेरे ही घर में चिकन नहीं खाएगी तो क्या घास फूस खाएगी? मैं भला क्यों घास फूस खाऊं? बिल्कुल सही कहा, तुम्हें घास फूस खाने की क्या जरूरत? घास फूस खाएंगे तुम्हारे दुश्मन। तुम तो मेरी रानी हो, मेरे सपनों की रानी। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? उससे पूछ कर बता दूंगी। किससे? उससे जिसने हुबली की चौराहे पे तुम्हारी पिटाई की थी और मुझे उड़ा कर ले गया था। उससे पूछकर बता दूंगी। वो कहीं का पहलवान है जो उससे दांव पूछना है? चींटी की तरह मसल दूंगा उसे। उस दिन छोड़ दिया था, अब तक तो उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में पहुंचा दिया होगा। तुम पर तरस आ रहा है मुझे। खुली आंखों से सपने जो देख रहे हो, उसने मुझे बचाने के लिए तुम्हें तुम्हारे चमचों के सामने पीटा बीच चौराहे पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार वो मुझे बचाने नहीं आएगा? इतना विश्वास करती है उस पर? इतने दिन साथ जो रही मैं, उसकी ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगी, और वो भी मान चुका है। वो जरूर आएगा, यहाँ आएगा, तुम्हारी धुलाई करेगा और मुझे ले जाएगा। हमारी शादी में आकर तुम बर्तन घिसने का काम कर सकते हो। हाँ तेरे की, मैंने सोचा था शादी करने के बाद तुझे अपना बनाऊंगा, पर मैं बिल्कुल गलत था। अरे कहाँ जाएगी तू अब बच के? अब मैं तुझे अपनी मर्दानगी दिखाऊंगा। आ जा मेरे पास। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे क्या समझती है तू अपने आप को? मैं तेरी इज्जत अभी उतार के रख दूंगा। असली मर्द हूँ मैं। ओ ये नहीं सुधरेगा, हमेशा ही जल्दी में रहता है। लो क्या देख रहे हो, चलो निकलो। एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना, यही तुम्हारी मर्दानगी है? कैसे मर्द हो तुम? जो मर्द लड़की की इज्जत करता है वही होता है असली मर्द, और इसीलिए मैं अजय से प्यार करती हूँ। और अगर वाकई तुम असली मर्द हो तो जाकर पहले उससे मुकाबला करो, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हाँ, पर अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मेरा शरीर तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। क्योंकि जब भी तुम मुझे छुओगे, मैं सोचूंगी अजय के बारे में, सिर्फ उसी के बारे में। प्लीज अंकल, छोड़ दीजिए ना उसे। अंकल मैच के बाद चाहो तो फिर से अरेस्ट कर लेना। अंकल प्लीज अंकल, आज हमारा फाइनल मैच है ना। सुनो, तुम्हारे दोस्त ने अब कबड्डी खेलना छोड़ दिया है, वो तो अब आवारा गर्दी का चैंपियन बनना चाहता है। आउट आउट आउट। मुझे लड़का चाहिए। ये पुलिस कस्टडी में, उसकी कंप्लेंट मैंने की थी, मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। तेरे पर 12 क्यों बजे हैं ऐसी भी? हाँ, बेटे को लेकर फिक्र हो रही है? मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं हो रही है, आपकी हो रही है। चलने का मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? हद हो गई है, हद हो गई। मुझे ये सब बातें सुननी पड़ेंगी? कभी वो लड़की बात सुनाती है, कभी लड़के का बाप बात सुनाता है। कहती है ये पहले मुझे मारेगा, उसके बाद ये उस लड़की से शादी कर लेगा। देखता हूँ कैसे होता है, काट के फेंक दूंगा मैं इसको, और इसकी लाश को चीर कौओं को खिला दूंगा। सिगरेट है क्या? हा? बड़ा शाना है ये, पता है ना मरने वाला है, इसीलिए आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। दे दे इसको, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, चटनी बनाऊंगा मैं इसकी।
मन तो होता है कि कच्चा चबा जाऊं उसको। ए! हुबली में तो मेरे हाथ से निकल गया था ये, लेकिन देखते हैं अब कहां बचकर जाएगा ये। तूने शोले फिल्म देखी है यार? हां शोले फिल्म? अबे गधे मौत के मुंह में खड़ा है और फिल्म की बात कर रहा है? क्या हुआ था उसमें? यही हुआ था उसमें, गब्बर वीरू को ऐसे किसी चट्टानी इलाके में लाया था और फिर खुद मारा गया। कहने का मतलब है कि मैं गब्बर सिंह हूँ और तू वीरू? मालिक कंप्यूटर ने भी कहा था कि ये हीरो जैसा दिखता है। छोड़, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तेरे आदमियों को मेरे आदमियों ने? क्या हुआ, सारी हवा निकल गई? तू जानता है मेरे डैड ने मुझे उस जेल से रिहा किस लिए किया था? तूने सोचा होगा तेरी जमानत की वजह से, ऐसा नहीं है, तुझे मारने। आज हमें नेशनल कप जीतना है। यस। और वो पल्लवी, जब दूल्हे राजा यहाँ बैठे हैं तो वहाँ शादी कैसे होगी? अब इसका क्या करें? इससे तुम लोग स्टेडियम ले आओ, फोकट में मैच दिखाएंगे। हम दोनों कबड्डी मैच देखेंगे और तू हम दोनों को देखना। ये तो फुल टू टल्ली है, कोई फायदा नहीं, चल मैच देखते हैं। कल तुम्हारा फाइनल मैच, तुम जरूर जीतोगे, मैं दुआ करूंगी, बेस्ट ऑफ लक। ये नेशनल कप का फाइनल है और कर्नाटक टीम के कप्तान अजय इस वक्त मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। रेफरी ने दोनों टीमों के कप्तान का परिचय करा दिया है और इसी के साथ मैच शुरू होने वाला है। और मैच शुरू, कर्नाटक टीम के कप्तान अजय महाराष्ट्र टीम को चैलेंज देने के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं और ये उनकी बहुत ही बेहतरीन चाल, कार्टवील करते हुए वो आगे बढ़े, एक और कार्टवील और ये पार। वीरभद्र का सुबह से कुछ पता नहीं है, सबको टेंशन हो रही है। और क्या ये साहब, खाना लग गया, चलिए ना। अरे तो तू भी जाके ठूसना, हम टेंशन में और इसको खाने की पड़ी है। हाँ सर। अरे बद्री के बारे में कोई खबर मिली? सर सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं चल पाया है अभी तक। अरे कहाँ चला गया ये पागल आदमी, दिमाग खराब कर रखा है इसने। और ये प्लेयर चैलेंज दे रहे हैं लेकिन असफल होते हुए वापस अपने फाइनल आ गए। वो आएगा, वो नहीं आएगा। सब कुछ रेडी है ना? हाँ सब रेडी है। वो आएगा, वो नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। बेटी गौरी पूजा करनी है, उसका समय हो चुका है। बेटी गौरी पूजा करनी है, नहीं देर हो रही है, चलो आ ही जाएगा। ये पूजा बहुत जरूरी है, चलो। जब दूल्हा ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँ गौरी पूजा करके। ए दुर्गा, क्या बोली? कहाँ पर है वो तुम्हारा लाडला बेटा वीरभद्र? मुहूर्त निकलता जा रहा है, आएगा ना? हाँ जरूर आएगा। अजय की ताकत के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारा बेटा वापस आएगा या नहीं क्या पता। ए पंडित, इसे ले जा और पूजा शुरू कर इसकी। और इसी के साथ कर्नाटक के एक और प्लेयर अटैक करने के लिए पहुंचे हैं। एक टैकल है और ये दूसरा टैकल, वो आगे बढ़े लेकिन उन्हें घेर लिया गया है। वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें पीछे खींच लिया गया। फिर से एक और कोशिश, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। महाराष्ट्र के एक और प्लेयर आगे बढ़ते हुए लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं मिले। इसी के साथ कर्नाटक के प्लेयर महाराष्ट्र के खेमे में बड़ी ही चतुरता के साथ आगे बढ़े, टैच किया, पीछे हटे, फिर टैच किया और ये खेल लिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए कर्नाटक की टीम को एक पॉइंट गंवाना पड़ा। हेलो, वीरभद्र बोल रहा हूँ। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर माजी, आपके छोटे बेटे का फोन। हाँ वीरभद्र। हाँ अरे कहाँ मर गया था रे? यहाँ स्टेडियम में। अरे शादी घर पर करनी है, स्टेडियम में नहीं, मुहूर्त निकला जा रहा है, चल जल्दी घर आ। हाँ?
मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता, तुम ही उसको यहाँ लेकर आओ। अरे पागल वागल हो गया क्या? सारे मेहमान आए हुए हैं, पहले शादी कर ले फिर बाद में निपटेंगे उसे। नहीं हो सकता, अपनी मर्दानगी साबित किए बिना मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्या मैं इतना बुजदिल हूँ कि उससे ऐसे ही शादी कर लूँ? तू मुझे इतना कमजोर समझती है? मैं ऐसे ही हार मानने वाला नहीं। जब तक उस लड़के को हरा नहीं देता मैं शादी करने वाला नहीं। ए पीए, शादी की शहनाई स्टेडियम में बजेगी, चलो। लास्ट रेड। और इसी के साथ कर्नाटक के कप्तान यानी कि अजय अपना खेल शुरू करने के लिए तैयार है, और बस कुछ ही क्षणों में महाराष्ट्र के खेमे में उतरने वाले हैं। ये निर्णायक पल है क्योंकि इसी बाजी के साथ पता चलेगा कि इस मैच का विजेता कौन रहेगा। अजय ने टैप करने की कोशिश की, आगे बढ़े, बाईं तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सवार खाली किया। फिर से उन्होंने कोशिश की, आगे बढ़े और एक टैप कर चुके हैं, और आगे बढ़े, एक और कर चुके हैं, उन्हें पकड़ लिया गया है। बैक फ्लिप की मदद से वो फिर से बाहर निकल चुके हैं। उन्हें बस अभी लाइन की तरफ पहुंचना है, और ये कार्य करने के लिए उन्हें फिर से रोक दिया गया। वो फिर से आगे बढ़ रहे हैं, हौसला बांधे हुए, लेकिन उन पे हावी है, उन्होंने अपनी सांस नहीं तोड़ी है। कबड्डी कबड्डी कहते हुए आगे बढ़ते हुए अजय ने उनपे पराजय करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं, क्या इनकी सांस छूट जाएगी? और इसी के साथ इन्होंने दो प्लेयर्स को पराजित कर दिया। महाराष्ट्र टीम के दो प्लेयर्स नीचे गिर चुके हैं। अजय ने फिर से छलांग लगाई, और इसी के साथ वो लाइन की तरफ लपके आगे हाथ बढ़ाया, और देखना ये है वो जीते या नहीं। दिखाता हूँ कि हम में से असली मर्द कौन है। ए वीरभद्र, तोड़ दे इसकी जांग, छोड़ना मत इसे, दिखा इसको कबड्डी। Yeah!
को फोन लगा और उससे बोल कि जल्दी से जल्दी पुलिस फोर्स यहाँ भेजे। अरे सर, आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप ही का सिक्का खोटा है और आप मुझे उल्टे पुलिस बुलाने को कह रहे। अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो जेल में सबसे पहले आपका भाई जाएगा। जरा दिमाग की बत्ती जलाइए, वो लड़की बालिग है, अगर उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया ना तो आप भी जेल में। कैसा मिनिस्टर है रे तू? तेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद ही ठिकाने लगाती हूँ उसे। साला कमीना। ना कोई भागम भाग, शादी हो गई ना, फर्स्ट टाइम। मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है। ए, ये क्या कर रही हो तुम? और कैसे करते हैं किस? मुझे क्या पता। ए,